नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। माननीय ओम प्रकाश राजभर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से कल मिल कर लिए कि सियासी हलकों में तूफान मचा हुआ है और इस तूफान को शांत करने के लिए स्वयं माननीय ओम प्रकाश राजभर, उनके दोनों पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर और श्री अरुण राजभर दोनों को मैदान में उतरना पड़ा। तो साथियों, विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो पर, अंत तक बने रहिएगा। आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद राजभर राष्ट्रीय महासचिव हैं सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे खंडन किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, आप इस पे देख लें। उन्होंने कहा है कि मुलाकात का आकलन गठबंधन से नहीं किया जा सकता। सुहृदय भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन भारतीय झूठ पार्टी यानी भाजपा से नहीं होने वाला है। मुलाकात व्यक्तिगत थी, हाँ राजनैतिक चर्चा जरूर हुई कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि 2022 आपके बिना मुश्किल है। इसका क्या अर्थ है? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं होगा, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहा कि 2022 का चुनाव बिना आपके संभव नहीं है जीतना। स्पष्ट है कि मुलाकात में सीधी सीधी बातचीत हुई है। दूसरी तरफ उनके जो छोटे पुत्र हैं अरुण राजभर जी, कल जब उनकी मुलाकात हुई थी स्वतंत्र देव सिंह जी से, उसके कुछ घंटों बाद ही जब रिएक्शन आने लगे तो उन्होंने ट्विटर पे तुरंत इसका खंडन किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, इसका कोई राजनीतिक माने न निकाला जाए। यह मुलाकात एक शिष्टाचार और निजी थी। शिष्टाचार और निजी थी ये तो ठीक है, लेकिन दयाशंकर सिंह जब निकल के आए तो उन्होंने तो ये कह दिया कि इसमें अगर बात बनती है तो इसमें बुराई क्या है। हमने एक सर्वे किया, तमाम लोगों से बात किया जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और काफ़ी सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के समर्थकों से भी बात किया बनारस के आसपास, तो उनका मानना था कि इसमें बुराई क्या है। एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी से समझौता अगर करती हैं मुद्दों पे आधारित तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो मांगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं या उठा रहे हैं वह मांगे सिर्फ सत्ता ही पूरा कर सकती है। और आज के डेट में, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों स्थानों पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सत्ता में बैठी, तो अब उसके पास इतना पावर तो है कि इनकी कुछ बातें मान ले जिससे समाज का भला हो जाए, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं तो इसमें कोई बहुत बुराई नहीं दिखाई देती है। दूसरी तरफ आप गौर से देखें कि काफ़ी लंबी अवधि से बीजेपी के प्रति वो संघर्ष कर रहे हैं, न तो बहुजन समाज पार्टी ने, न तो समाजवादी पार्टी ने, न तो कांग्रेस ने, और आपने तो उल्टा ही कर दिया। तो तमाम विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में हैं, किसी ने ओम प्रकाश राजभर को शाबाशी नहीं दी, न उनके बुला के उनसे बात की कि चलो बीजेपी के प्रति हम सब मिल के संघर्ष करते हैं। बार बार ओम प्रकाश राजभर ये कहते रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस से हम दूर नहीं हैं, हमारी पार्टी का दरवाजा
सपा बसपा कांग्रेस के लिए हमेशा खुला है, लेकिन इन पार्टियों की अपनी दुकानदारी है, अपनी नेतागिरी है, छोटे डरों को ये महत्व देना नहीं चाहते, या यूं कह लें कि छोटी जाति के या छोटे दलों के नेतृत्व को ये उभारना नहीं चाहते। लेकिन साथियों, माननीय ओम प्रकाश राजभर कोई ऐसे तैसे ताकत के नहीं बने हुए हैं, और बहुत मजे मजाए आज उत्तर प्रदेश के नेता हो गए हैं, आज इस स्थिति में हो गए हैं, सरकार को बना बिगाड़ सकते हैं। चुनाव में ये एक बैठ के लखनऊ में बात करना, दिल्ली में बात करना अलग, लेकिन समाजों का वोट इकट्ठा होके पार्टियों के साथ जाना वो अलग विषय है। और आप ये मान लें कि जब वोट पड़ता है तो जो खामोश कौमें हैं, जो शोषित कौमें हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो अखबारों में और चर्चाओं में और इसमें नहीं होती हैं, लेकिन परिणाम में यही प्रभावित करती हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी जातियाँ, वंचित जातियाँ, उपेक्षित जातियाँ, जिनके थोड़े थोड़े स्थान पे कई कई जिलों में बहुत भारी भारी संख्या है, वो सब एक साथ अगर खड़े हो गए, और जिसकी संभावना कि वो खड़े हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये सबको पता चल जाएगा। तो अब देखना है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या गुल करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश में रहेंगे, प्रदेश की राजधानी में वो रहेंगे, 2 दिन में ही गुल खिलेगा। देखना है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो खंडन कर रही है, तो क्या वो सचमुच का खंडन है, या खंडन एक तरफ करना, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से टर्म्स कंडीशन आगे बढ़ना, समझौता के लिए आगे चलना। और ये आप इतना जरूर मान लें कि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में किसी भी स्तर तक जाके समझौता कर सकती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी तो 2017 के चुनाव में उनकी एलाइच रही है, और बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत योगदान है। अब ये अलग बात है कि सत्ता तक तो पहुंचा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण सत्ता छोड़नी पड़ी, और लगभग तीन चार साल से वो बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथियों, हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।